ये शुरुआती रुझान है जो आने शुरू हो गए हैं, और शुरुआती रुझान जो हैं वो सेट पैटर्न पर ही आ रहे हैं। आशीष, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी शुरुआत हुई है, स्विंग स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, वो अपने आप में इंडिकेट करता है जो गट फीलिंग कुछ समय से बन रही थी कि देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रोमाना पिछले 5 साल से लगातार वहाँ की जनता देख रही थी उसको, देवर होल्डिंग देम अकाउंटेबल, चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन का मामला हो, चाहे फिर राइजिंग इन्फ्लेशन का मामला हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मामला हो। कल मधु जी बात कर रही थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर बनाने की कोशिश की है कमला हैरिस ने, अबॉर्शन का इशू, इन सभी मामलों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है ट्राइड एंड टेस्टेड जिस पर वो अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं मौजूदा सरकार को, तो हो सकता है जिसकी शुरुआत अभी इस रुझान के हिंट से हमें मिल रही है कि ये जो क्रूशियल स्विंग स्टेट्स हैं, ये हो सकता है कि इस बार मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में दें। लेकिन अभी तो बस स्विंग स्टेट एक ही है, जॉर्जिया, जिसका जिक्र अभी मधु कर रही थी, और वहां पर भी बढ़त शुरुआती जरूर डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15% के आसपास ही वोटों की गिनती वहां पर हुई है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है अगर स्विंग स्टेट के संदर्भ में भी बात की जाए। जल्दी से जरा आपको लेकर चलते हैं कमला हैरिस का जो नानी का घर है, मैं नानी का घर कह रही हूँ इसको, उनका पैतृक गाँव है चेन्नई के तिरुवरूर से, वहीं से हमारे साथ आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा आपके सामने, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में अमेरिका के नतीजों का ऐलान हुआ है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं उसके हिसाब से किसके खाते में कितने वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 23 वोट फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस के खाते में सिर्फ 3 वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक वो वर्मोंट वाला राज्य है जहां पर अभी कमला हैरिस की डेमोक्रेट पार्टी की जीत हुई है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात अभी तक ये निकल कर आ रही है कि जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल सेट पैटर्न पर आ रहे हैं, क्योंकि वुमन की अगर बात की जाए जहां पर कमला हैरिस ने बढ़त बनाई है, ये जो डेमोक्रेट्स हैं उसी की रुझान वाला राज्य माना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो चाहे वेस्ट वर्जीनिया हो या फिर केंटकी हो, जहां के अभी तक के नतीजे आए हैं जिसकी वजह से ये इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं उसका आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ऊपर की पट्टी में जो आप देख रहे हैं 23 पर पहुंच गया है, ये रिपब्लिकन राज्य ही माने जाते हैं। तो मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ कमला हैरिस के गाँव तिरुवरूर से, आशीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं जरा। यहाँ तो कल हम दिखा रहे थे दर्शकों को किस तरीके से वो दुआओं का दौर जारी था, अभी आज की सुबह तस्वीर क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नतीजों का। आशीष देखिए रोमाना, अगर हम इस गांव की बात करें, दक्षिण तमिलनाडु का ये गांव है, तिरुवरूर ज़िला है, कावेरी डेल्टा का रीजन है, कावेरी डेल्टा जो कि काफ़ी उपजाऊ माना जाती है ऐतिहासिक रूप से, चोल डायनेस्टी की ये पूरा का पूरा एरिया रहा है, तंजावुर त्रिची जैसे शहर यहां पर रहे हैं और अपनी इतिहास के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के गाँव वासियों के लिए ये सुबह नॉर्मल है, लेकिन वो पहले से ही कमला हैरिस को मान चुके हैं कि वो जीत चुकी हैं। उनके गांव की बेटी, उनका जो ये इस गांव से निकलकर तुलसमुद्रपुरम गांव से निकलकर जो बेटी अमेरिका पहुंची है वो ऑलरेडी उनके लिए एक जीती हुई बेटी है। उनका कहना है कि 2020 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनी तभी उन्होंने इतिहास रच लिया था, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के रेस में वो आगे चल रही हैं या पीछे चल रही हैं इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि इस गाँव की बेटी ने अमेरिका में जाकर इतिहास पहले ही रच दिया है। गौरतलब है कि कमला हैरिस पहली दक्षिणी एशियाई मूल की अश्वेत वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर वो जीतती हैं तो जाहिर तौर पे एक और ऐतिहासिक, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली अश्वेत राष्ट्रपति, महिला अश्वेत राष्ट्रपति, पहली दक्षिणी एशियाई मूल की अश्वेत महिला राष्ट्रपति बनेंगी अगर कमला हैरिस जीतती हैं। लेकिन यहाँ के गाँव वालों की अगर हम पूरे दिन की दिनचर्या की बात करें तो आज भी पूजा पाठ हवन का दौर होना है, जीत का नतीजा होगा या हार होगी इससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि इस गांव की बेटी इस गांव से निकलकर अमेरिका में अपना नाम अपना मुकाम हासिल कर चुकी है। बिल्कुल, और इसी को वो बड़ी जीत कमला हैरिस के लिए मान रहे हैं। आशीष आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और आइए अब बिना वक्त गवाए सीधे रुक करते हैं पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल सर हमारे साथ मौजूद है, और सुशील सिंघल सर से जानते हैं वो गाँव वालों की तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो तो अभी से जीता हुआ कमला हैरिस को मान रहे हैं और उनको तो लगता है कि वो वैसे ही विनर है, वो जिस मुकाम पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये सर कि ये जिस लड़ाई में कमला हैरिस फंसी हुई है ये तो बहुत ही मुश्किल लड़ाई है, मामला किसी भी तरफ जा सकता है, आर या पार? बिल्कुल, ये तो देखिए जैसा हम सब इतने दिन समय से देख रहे हैं कि एक इलेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा कांटे का है और कोई भी कुछ कह इसके बारे में कह पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो है लोग इस तक की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों में से किसी को जो है 270 ना मिले,
और जो 200 साल पहले हुआ था वो हो जाए इस बार फिर से, कि जो है कांग्रेस जो है वो उसको इलेक्ट करे प्रेसिडेंट। तो इस तरह की सारी संभावनाओं पर जब विचार किया जा रहा है तो ये दर्शाता है कि जो जो मुकाबला है वो बहुत बड़ी टक्कर का मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है। जैसा आप भी कह रहे हैं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं ये डिसाइड करेंगी साथ में। बड़ा इंटरेस्टिंग है यूएसए में जो इलेक्शन सिस्टम है कि एक बहुत छोटा ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तो ये 7 स्विंग स्टेट जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा और वो किस तरह के उनकी जो रुझान है, क्योंकि उनके सभी में विद इन एरर जो 2-3% का जो एरर आता है उसमें उसके अंदर में ही ये चल रहा है। तो किसी के लिए भी ये प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो कह बड़ा संभव नहीं है मेरे विचार से। और इस सब में जानकारी इस बार जो है समय लगेगा कि रिजल्ट्स कब आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बना रहे हैं कि जरा सा भी उनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो इमीडिएटली वो जो है कोर्ट में चले जाते हैं और जारी प्रोसेस को रुकवा देते हैं, जो उन्होंने पिछली बार भी किया था और इस बार तो पूरी तैयारी के साथ में है। तो जी, ये बड़ा इस बार कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये जो रिजल्ट्स जो आएंगे फाइनली वो कब आएंगे। हो सकता है फिर पहले की तरह वो 6 जनवरी को ही ये बहुत सही बात कह रहे हैं सर आपकी, इस बार तो ये भी सस्पेंस बहुत बड़ा बना हुआ है कि आखिरकार ये रिजल्ट्स जो हैं वो कब तक आएंगे। ABP News आपको रखे आगे।